औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ में खुशामदीद बेटा, एक्सरसाइज 4.5 आर्टिकल है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है जी, किस तरह होती है बेटा? आपने प्रीवियस क्लासेस में ये लॉन्ग डिवीजन आपने फाइंड आउट अपना कर चुके हैं कि किसी लीनियर या पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर पर डिवाइड करते हैं तो कोशेंट और उसके बाद रिमाइंडर फाइंड आउट होते हैं। तो ये जो डिवीजन है लॉन्ग मेथड है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लॉन्ग चलता है। तो कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड यूज़ किया जाता है जिसे हम नाम देते हैं सिंथेटिक डिवीजन का। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन क्या है। तो सिंथेटिक डिवीजन इज द ईजिएस्ट वे या शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर और क्वोशेंट को फाइंड आउट करने का सबसे ईजिएस्ट और शॉर्टकट मेथड जो है दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मतलब मेरे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 12 है, इसी को एग्जाम्पल बना के हम चलते हैं। लेट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन सॉरी आपके पास बेटा गिवन है और आपने इसको डिवाइड करना है एक्स इज इक्वल टू 2 पर। तो यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। बट यहाँ पे यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कम्प्लीटली। फिर इस कम्प्लीटली इस जो पॉलिनोमियल गिवन है हमने इसको फाइंड आउट भी करना है, इसको सॉल्व आउट भी करना है। मसलन कैसे? नहीं, बाई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे आप डिग्री देख रहे हैं दैट इज एक्स रेज टू 3। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो है, टर्म जो है वो मिसिंग है। तो जब मिसिंग हो तो उसकी जगह पर 1 लाते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। लिखने का तरीका देख लें किस तरह से हम इसको राइट डाउन करते हैं। एक्स क्यूब कोफिशिएंट इज 1, 1 राइट किया, माइनस 7x, 7x से पहले एक्स स्क्वायर टर्म को होना जरूरी था, नहीं है, मिसिंग है। तो जो मिसिंग होगी उसकी जगह पे 0 लिख देंगे। फिर एक्स स्क्वायर के पास टर्म आनी चाहिए एक्स वाली, उसका कोफिशिएंट है माइनस 7, ये कोफिशिएंट्स राइट हो गए, प्लस कांस्टेंट है जी कांस्टेंट 6, दैट इज 6। इसको डिवाइड किया एक्स इज इक्वल टू 2 पर, सो टेकिंग एक्स इज 2, एक्स 2 लेते हुए हमने उसको डिवाइड किया। दोबारा सुन लें बेटा किस तरह से किया रिमाइंडर थ्योरम में। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 गिवन है जी, और एक्स इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशंस के लिए हमने डिवाइड किया। डिवाइड किस तरह से करना है, अरेंज आपकी होना जरूरी है पॉलिनोमियल का, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर टर्म मिसिंग है, तो जो मिसिंग होगी उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। फिर माइनस 7x, 7 आ रहा है माइनस का कोफिशिएंट, दैट इज माइनस 7, कांस्टेंट 6, कांस्टेंट 6 के साथ इसको सॉल्व आउट करते हैं। 1 बेटा एज इट इज उतारेंगे, 2 मल्टीप्लाइड 1, 2 वन सा 2, इस 0 के नीचे 2 राइट किया, इनको ऐड कर देंगे 2 प्लस 0 दैट इज 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू सा 4, 4 फर्दर 7 के नीचे माइनस 7 है प्लस 4 है दैट इज माइनस 3 रिमेंड हो गया। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाइड 3, 2 थ्री सा 6 प्लस माइनस 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 का 6 दैट इज 0, रिमाइंडर 0। इसका क्या मतलब हुआ कि x जो आपके पास 2 आ रहे हैं, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो लिखने का तरीका, हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ, इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज द सोल्यूशन। ना उसने कहा जी इसको कम्प्लीटली, इसको कम्प्लीट सॉल्व भी करना है जो आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनी? डिप्रेस्ड इक्वेशन बिकम
दिस इज वन, दिस इज टू, माइनस थ्री, स्टार्ट हुआ था एक्स क्यूब के साथ, जब एक टर्म जीरो बन गई तो नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, दिस इज कॉन्स्टेंट माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, डिप्रेस्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएंगे. नाउ दिस बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. यू कैन फैक्टराइज इट, यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो फैक्टराइज कर लेते हैं, थ्री वन सा थ्री, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस प्लस थ्री एक्स, थ्री वन सा थ्री माइनस एक्स, तो प्लस के टू रिमेन हो गए, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो के साथ. नाउ बिकम फोर टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. इन दोनों टर्म से बेटा कॉमन किया, क्या कॉमन आ रहा है जी, टेकिंग एक्स कॉमन, रिमेनिंग एक्स प्लस थ्री, इन दोनों टर्म्स में कॉमन माइनस वन, एक्स माइनस माइनस बिकम प्लस थ्री, दैट इज जीरो, कॉमन फैक्टर एक्स प्लस थ्री, नॉन कॉमन में एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो. क्या कंडीशन लगेगी, इधर एक्स प्लस थ्री जीरो, और या फिर दिस फैक्टर इक्वल जीरो. अगर ये फैक्टर जीरो है तो एक्स बिकम माइनस थ्री, अगर एक्स माइनस वन जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू वन. तो एक्स इज इक्वल टू वन भी हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री भी हो गया, गिवन था एक्स इज इक्वल टू टू. दीज आर द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. सो सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज, दैट इज एक्स इज इक्वल टू टू, वन और माइनस थ्री, दीज आर द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. सो बेटा ये था आपके पास सिंथेटिक डिवीजन से किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना. उसको किस तरह से सॉल्व आउट किया, रिमाइंडर भी आ गया आपके पास, डिप्रेस्ड इक्वेशन भी बन गई. डिप्रेस्ड इक्वेशंस को फर्दर हमने सॉल्व किया और उसके सॉल्यूशंस एलिमेंट्स फाइंड आउट किए. सो दीज आर द सॉल्यूशन एलिमेंट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. इक्वेशन आपके पास क्यूबिक फॉर्म में थी, सो आपके पास जो रूट्स फाइंड आउट हुए वो भी तीन फाइंड हुए, वन टू और माइनस थ्री के साथ. तो डियर स्टूडेंट्स, सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर ऑनवर्ड्स आप 16 तक एक्सरसाइज आपने कंप्लीट हो जाएगी. ये सिंथेटिक डिवीजन से होमवर्क टास्क के लिए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.